माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे और आप सबने सहमति दी थी नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे न उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी, दो इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी, प्लीज आपने खुद ने व्यवस्था दी थी नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी, यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर आपके काम की बात बताता हूं, आपके काम की बात बताता हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप थक जाएंगे, आप लोग थक जाएंगे, मैं आपकी भलाई की बात बताता हूं। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का, आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए।
लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं।